मॉड्यूल ट्वेंटी फोर सुसाइडल आइडिएशन सुसाइडल आइडिएशन बेसिकली है क्या चीज़ इट इज़ समथिंग इन विच द पर्सन इज ट्राई टू गिव अ सेल्फ हार्म इंटेंशनल और डेलिब्रेटली ट्राई टू टेक हिज और हर ओन लाइफ बट दैट पर्सन इज नॉट एक्टिंग अपॉन इट बट ओनली थाट अबाउट दैट थिंग ठीक है जो सुसाइडल आइडिएशन के अंदर वो जो भी सोचेगा अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में या अपनी ज़िंदगी लेने के बारे में उसको वो एक्ट आउट नहीं करेगा बल्कि सिर्फ सोचेगा जब तक वो एक चीज़ को सोचेगा उसको हम कहेंगे सुसाइडल आइडिएशन पैसिव सुसाइडल आइडिएशन होती है एक और एक एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन होती है जब हम पैसिव सुसाइडल आइडिएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान सिर्फ सोच रहा है कि वो उसको लाइफ अच्छी नहीं लगती ही और शी डज़ नॉट वॉन्ट टू लिव एनी मोर और इट इज़ बेटर दैट ही और शी कैन डाई लेकिन जो एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन होती है इसके अंदर द पर्सन इज़ ट्राइंग टू थिंक अबाउट के हाउ मैनी वेज आर देयर इन विच ही और शी कैन टेक हिज और हर ओन लाइफ ठीक है तो द थिंग इज़ के वो सोचता है उन मीन्स के बारे में जिसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगी ले सकता है तो ये दो तरह की मैनिफेस्टेशन होती है सुसाइडल आइडिएशन की अब इसके अंदर बहुत सी कंडीशंस हैं जो एसोसिएटेड होती हैं कि लोग सुसाइडल आइडिएशन की तरफ़ जाते क्यों हैं या वाई दे वॉन्ट टू टेक देयर ओन लाइफ नंबर वन जो इसमें रिस्पेक्टर होता है वो होता है होपलेसनेस का होपलेसनेस का क्या मतलब है कि एक शख्स जो है वो ये सोचता है कि उसके पास ज़िंदगी में कभी भी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो ही नहीं सकती तो व्हेन द पर्सन थॉट दैट देयर इज नो होप इन द लाइफ तो उस सिचुएशन में दैट पर्सन कैन एक्ट अपॉन और कैन थिंक अबाउट टू टेकिंग हिज और हर लाइफ इसमें आमतौर पर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि बहुत से बच्चे जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो वो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं या सुसाइडल आइडिएशन आम तौर पर बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि जी जब मेरा मैट्रिक के अंदर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ क्योंकि मुझे लगा कि ज़िंदगी में कभी कुछ और अच्छा हो नहीं सकता तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ होपलेसनेस जहाँ पर उनको ये लगे कि चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही चाहे वो रिलेशनशिप है कि मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर नहीं है या नहीं हो सकते तो जब वो होपलेसनेस का फैक्टर आ जाएगा तो उस वक्त एक इंसान जो है वो सुसाइडल आइडिएशन के बारे में सोच सकता है देन द डिप्रेशन डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसका फीचर है सुसाइड आइडिएशन यानी वो लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं जिनके अंदर सैडनेस होती है फटीक का एलिमेंट होता है होपलेसनेस हर्पलेसनेस का फैक्टर होता है वो लोग आम तौर पे सुसाइडल आइडिएशन की तरफ जाते हैं विद थॉट अबाउट टू टेक देयर ओन लाइफ इसी तरह ऐसे लोग जिनके अंदर इन्जाइटी आ, होती है दे कैन ऑल्सो थिंक अबाउट टू टेक देयर ओन लाइफ डेलिब्रेटली थिंक अबाउट टू टेक देयर ओन लाइफ लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रिसर्च कोरिलेशनल रिसर्च जो हैं वो ये हमें प्रडिक्ट करती हैं कि सुसाइडल आइडिएशन और इन्जाइटी का को रिलेशन है लेकिन वो इसको डिफ़ाइन अभी तक कोई ऐसी रिसर्च जो है इस फील्ड uh, के अंदर अभी तक ऐसी नहीं आई जो कि ये इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को फर्दर एक्सप्लेन कर सके बट एक जो इसके बारे में आम um, थिंकिंग है वो ये है कि एन्जाइटी चूंकि सर्टन टाइम डिप्रेशन के सिम्टम कॉज करती है और चूंकि उस शख्स के अंदर हो सकता है कि सेकेंडरी लेवल पे डिप्रेशन परसिस्ट कर रहा हो या एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसकी वजह से जो है आइडिएशन उसके अंदर आ सकती है देन द स्ट्रेस स्ट्रेस रिएक्शन जो होते हैं लोगों के वो आमतौर पर सुसाइडल आइडिएशन की तरफ उनको लेकर जाते हैं मिसाल के तौर पर लाइफ के अंदर डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस आ सकते हैं इकनॉमिक स्ट्रेस आ सकता है आ, बच्चे का कोई पेरेंट अगर उसने लूज किया है तो उसका स्ट्रेस आ सकता है कोई एकेडमिक फेलियर हुआ है उसका स्ट्रेस आ सकता है तो जो सडन स्ट्रेसर्स आते हैं लाइफ के अंदर समटाइम इंसान को वो भी वो वो करते हैं टूवर्ड्स तो द सुसाइडल आइडिएशन इसी तरह इम्पल्सिविटी इम्पलसिविटी के अंदर इंसान के जेहन के अंदर एकदम से एक थॉट आती है और वो उस थॉट को आ, सोचता है और उसको करने की कोशिश करता है ठीक है तो व्हेन द पर्सन इज़ इम्पल्सिव इन डिफरेंट सिचुएशन जिस तरह एकेडमिक फेलियर हुआ और इम्पल्सिवली द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट टू टेक हिज और हर ओन लाइफ दैट कैन बी द एग्जांपल के हाउ इम्पल्सिविटी वर्क्स टूवर्ड्स द सुसाइडल आइडिएशन अब जो लोग सुसाइडल आइडिएशन Uh, जिनके जहन में चल रही होती हैं ऐसी बातें चाहे वो पैसिव लेवल पे हों चाहे वो एक्टिव लेवल पे हों उनके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं यानी वो कुछ ख़ास किस्म की बातें करते हैं या ख़ास किस्म की बातें कहते हैं जिनसे हमें ये समझ लगती है या समझ आ सकती है कि इनके अंदर सुसाइडल आइडिएशन चल रही है मिसाल के तौर पर वो ये कहेंगे कि दे वॉन्ट टू किल दैम दे फील दैम सेल्व बर्डन ऑन अदर्स एंड मोस्टली मोस्ट ऑफ दैम आर सेंग कि दे डिड नॉट फाइंड एनी रीज़न टू लिव इसी तरह उनका जो बिहेवियर है उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि दे विदड्रॉ फ्राम द एक्टिविटीज़ वो समाइम बहुत रैकलैस एक्ट करेंगे और इसी तरह उनका रैकलैस एक्ट का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि एकदम से अगर कोई शख्स अल्कोहल पीता है तो उसका वो जो टेक है वो ज़्यादा हो जाएगा ठीक है इसी तरह वो बहुत ज्यादा हाइपर में चले जाएंगे या इन में चले जाएंगे या इसके अंदर एक और बिहेवियर जो बड़ा अलार्मिंग होता है वो ये होता है कि दे आर स्टार्टिंग टू से गुड बाय टू अदर पीपल वो दूसरे लोगों को फोन करेंगे और उनके साथ इस तरह की कम्युनिकेशन करेंगे जिससे ये लगेगा कि वो अपनी लाइफ की जो चीजें हैं वो उसको वाइंड अप कर रहे हैं सर्टन टाइम दे बिकेम मोर एग्रेसिव टू अदर पीपल तो उससे भी जो उनका बिहेवियर की शिफ्ट है जो एकदम से चेंज है जो एजिटेशन उनके अंदर नजर आएगी वो एग्जिबिट करेगी सब सर्टन टाइम के माइट भी ये शख्स जो है इसको ही इज थिंकिंग अबाउट टू टेक हिज और हर ओन लाइफ और अगर हम मूड के बारे में बात करेंगे तो मूड यूजुअली उनका डिप्रेशन की तरफ जाएगा और इसके साथ साथ एंगजाइटी की तरफ भी जा सकता है और हॉस्टाइल भी उनका मूड हो सकता है थैंक यू